चलते राजस्थानी विशेष व्यंजन बनाए गए हैं पीएम के लिए। राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, जिसमें बाजरे का चूरमा विशेष रूप से बनवाया गया है। सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही रात्रि भोज की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री को रात्रि भोज में कैर सांगरी की सब्जी, राजस्थान का प्रसिद्ध गट्टे की सब्जी और राजस्थानी कढ़ी परोसी जाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। पीएम रात्रि भोज बीजेपी मुख्यालय में ही करेंगे और फिर उसके बाद 9:15 बजे पर राजभवन के लिए वो प्रस्थान करेंगे। तो देखिए, आज का वो दिन जब पीएम मोदी जयपुर आ चुके हैं और तमाम बैठकों के बाद अब उनका ये डिनर, और ये डिनर पूरे राजस्थानी स्टाइल में किया जाएगा। राजस्थान के जो प्रसिद्ध यहाँ पर भोजन है, चाहे दाल बाटी चूरमा हो, गट्टे की सब्जी हो, लगातार उन सब की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें, उनके लिए स्पेशल राजस्थानी थाली परोसी जाएगी। पीएम मोदी का बीजेपी कार्यालय में ये भोज, पीएम के लिए राजस्थानी विशेष व्यंजन बनवाए गए हैं। और आपको बता दें, दाल बाटी और बाजरे का चूरमा यहाँ बनवाया गया है। तो देखिए, मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि राजस्थान जाना ही जाता है उसके स्वागत के लिए। तो देखिए, ये भव्य स्वागत आज उनका किया गया एयरपोर्ट से लेकर ऑफिस तक, बीजेपी कार्यालय तक, राजभवन तक। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, जैसे कि हमेशा कहा जाता है, राजस्थान जाना ही जाता है अपने भव्य स्वागत के लिए और अपने स्वादिष्ट खाने के लिए, तो ऐसे ही पीएम मोदी के लिए दाल बाटी चूरमा और तमाम यहाँ पर अलग अलग खाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, जो पहले ही तैयारी हो गई थी कि पीएम मोदी आज मुख्यालय भोजन करेंगे और भोजन राजस्थानी व्यंजनों का होगा और उसमें दाल बाटी चूरमा, चूरमा बाजरे का चूरमा रहेगा। आज उन्होंने भोजन लिया कार्यकर्ताओं के साथ और इस दौरान अभी लगभग भोजन भी इनका पूरा हो चुका है और कुछ ही देर में वो राजभवन के लिए रवाना हो सकते हैं। वहाँ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनका रात्रि विश्राम भी राजभवन में रहेगा। चूंकि लगातार पीएम मोदी भी जो श्री अन्न, उन्होंने नाम दिया था मिलेट्स का, जो मोटा अन्न हम कहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि मोटा खाओ, मोटा पहनो, स्वस्थ रहो, इसका कहीं ना कहीं निर्वहन देखने को मिला है। और पीएम मोदी लगातार ये प्रयास भी करते हैं कि जो मोटा अन्न है उसको कैसे बढ़ावा मिले, उससे न केवल हमारे किसानों को आर्थिक बल मिलेगा बल्कि हम स्वास्थ्य वर्धक भी माना जाता है, क्योंकि डायबिटीज वगैरह जो बीमारियां होती है मोटे अनाज में नहीं होती है। तो इसीलिए उन्होंने लगातार ये कोशिश भी की है कि मिलेट्स को बढ़ावा मिले। और यही वजह है कि वो अक्सर आपने देखा होगा, जब जी कंपटीशन मदन हुआ था तो तमाम जो विदेशी मेहमान आए थे उनको भी हमारे मिलेट्स के बनाए जो खाद्य पदार्थ थे, जो भोजन था, वो परोसा गया था। और आज उसी कड़ी में भाजपा मुख्यालय पर भी राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। 150 के करीब लोगों का भोजन तैयार हुआ था, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कार्यकर्ताओं के आग्रह पर आए हैं और उनका भी उनके भोजन की थी तो उनका खुद का ही कहना था कि अगर मैं भोजन करूंगा तो आप उसमें राजस्थानी व्यंजन रखेंगे। और उन्हीं के कहने पर आज यहाँ पर राजस्थानी व्यंजनों का भोजन तैयार किया गया। तो ये एक मैसेज है, देखिए, ये तमाम पीएम मोदी अपनी जो कार्यशैली है राजनीति की, वो एक मैसेज देते हैं। आज पार्टी मुख्यालय पर मिलेट्स का भोजन करके, मोटे अनाज का भोजन करके उन्होंने मैसेज दे दिया है कि आगे भी पार्टी सरकार इसको बढ़ावा देगी। ये एक मैसेज है जो किसानों को भी टच करता है, चूता है कि देखिए, हम यहाँ बाजरा जो राजस्थान की पहचान है, जिसको लेकर सबसे अधिक बाजरा राजस्थान पैदा होता है, तो किसानों को बल मिलता है कि हमारे पीएम खुद बाजरे का चूरमा खा रहे हैं। तो ये एक संदेश जाता है, इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। फिलहाल मैं अपने दर्शकों लाइव के साथ साथ ये भी कहूंगा कि अब पार्टी मुख्यालय पर हलचल बढ़ गई है। तमाम जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। शायद थोड़ी देर में लगता है पीएम मोदी का जो काफिला है वो बाहर निकलने वाला है। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि एक मैसेज की पॉलिटिक्स जो पीएम मोदी अपनी कार्यशैली के दम पर करते हैं, वो चाहे भोजन करने की बात हो, चाहे यात्राओं के जरिए की बात हो, चाहे वो पीएम बनने के बाद दिवाली बॉर्डर पर अपने जवानों के साथ मनाने की बात हो, कई ऐसे नवाचार उन्होंने अपने जीवन दिनचर्या से दिए, एक मैसेज उन्होंने दिए। और आज सबसे बड़ा जो मैसेज दिया है हिंदुस्तान की राजनीति में वो ये दिया है कि पीएम बनने के बावजूद कार्यकर्ता कैसे बड़ा होता है। अब देखिए, इतना समय पार्टी कार्यालय पर व्यतीत करना
कार्यकर्ताओं के बीच इतना समय किसी पीएम ने एज ए कार्यकर्ता के रूप में दिया हो, ये बड़ा मैसेज है। ये मैसेज साफ आप देखिए, इस मैसेज में 2024 का रोड मैप कहता दिया है। इस मैसेज में पार्टी के कार्यकर्ता को 2024 के रण के लिए तैयार कर दिया। इस मैसेज में एक बार कार्यकर्ता के मनोबल को और बढ़ा दिया कि अगर 2 से 3 घंटे तक अगर पीएम पार्टी कार्यालय में समय दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं को समय निकाल सकते हैं। लाल सिंह, ये भी देखा गया कि कैसे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक खत्म हुई, अब वो राजभवन जाएंगे, रात्रि भोज वहां पर करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने विधायकों और तमाम मंत्रियों से बातचीत की और उनसे कहा कि अगर आपको जो जिम्मेदारियां दी गई है उनको पूरी तरह पूरी सच्चाई और पूरी सरलता के साथ निभाए, तो यानी कि यहाँ पर बातचीत भी उनकी तमाम मंत्रियों और विधायकों से हुई है। कि बिल्कुल 144 लोग जो आए थे, मैंने कहा कि इसमें कोर टीम जो भी की है, इसमें एक तो सरकार यानी कि सीएम भजन लाल की टीम, एक सीपी जोशी की टीम, दोनों टीम के करीब 144 नेताओं को यहाँ बुलाया गया, जिनमें से दो नेता अलग अलग कारणों से नहीं आ पाए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और स्पीकर वासुदेव देवनानी। फिलहाल एक बार तस्वीरों पर ध्यान में अंदर बीजेपी मुख्यालय से अब पीएम मोदी का काफिला निकल रहा है। लगातार मेरे सहयोगी विजय गिरी आपको एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मोदी के दौरे से जुड़ी हुई तस्वीर, ये इसलिए टारगेट